हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओमकार चक्रवर्ती। हाय, ओमकार चक्रवर्ती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड नहीं और कुछ नहीं है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इनके नोट्स देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वैसे मैं एक बात बता दूँ, फ्रेंड्स आपके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस पिछले वीडियो में है ना सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर देना भूल गया। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं दे देता हूँ। फर्स्ट का होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकंड का होगा केमिकल चेंज, थर्ड का होगा सुगर, फोर्थ का होगा स्टक टुगेदर, फाइव का होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैच का होगा मैटर का होगा शायद एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट। अब मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस गैस हैज, मुझे लगता है गैस होगा, जैसे कि मुझे लगता है फ्रेंड्स गैस को मिलाने की कोशिश करते हुए अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज द लिस्ट। अब मिस्किबल इन वाटर ये होगा सुगर। फ्रेंड्स सॉलिड होगा हैज डिफाइनिड शेप एंड वॉल्यूम, एंड लिक्विड होगा हैज नो डिफाइनिड शेप बट ए डिफाइनिड वॉल्यूम। अब राइट शॉर्ट आंसर्स, व्हाट इज अ मैटर, ए थिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट कॉल्ड मैटर। वाटर मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन ए थिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मुझे लगता है एटम्स से बना है, मुझे लगता है। अब फोर है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम। नेम एनी सॉलिड्स टू लिक्विड्स एंड टू गैसेस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर। वह है टू सॉलिड्स का तो मैंने पहले लिख ही दिया था, एक है वुड जो कि होता है ये, सेकेंड है प्लास्टिक जो कि इसका कवर। हाँ, अब लिक्विड है जैसे कि स्प्राइट, ये लिक्विड है, इसमें जो सोडा होते हैं इसको भी लिक्विड ही कहते हैं, और पानी। फ्रेंड्स मैं आपको पानी दिखाता हूँ, फ्रेंड्स पानी इसको कहते हैं पानी, और दो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स सेकंड का तो नहीं पता, इतना पता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है। अब फर्स्ट है डी का, आंसर द क्वेश्चंस, व्हाई डू सॉलिड्स हैव ए फिक्स शेप, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। व्हाई डू लिक्विड्स फ्लो, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स, पहले लिखिए द लिक्विड्स फिर ऐसे लिखे लिक्विड्स, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। अब फिजिकल चेंज का दो एग्जांपल दीजिए। अब फिजिकल चेंज का तो जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर मुझे लगता है मेकिंग ब्लैक ऑफ वुड, मतलब कि जब हम किसी वुड को रखते हैं। फ्रेंड्स इसे मत आप एग्जांपल की तरह लीजिए, आप लीजिए फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं, हाँ वो जो मिट्टी के जो कुछ टब होते हैं इनमें जो, फ्रेंड्स ये भी मत लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको सोच के बताता हूँ, फ्रेंड्स ब्लैकिंग ऑफ वुड ही शायद ठीक रहेगा, जैसे कि हम जब, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बोला था इसमें केमिकल डालना पड़ेगा, ये धीरे धीरे ब्लैक हो जा रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स ब्लैक हो रहा है, इसमें एक केमिकल है। अब केमिकल चेंज का दो एग्जांपल है, मिल्क टर्निंग सोर, जैसे कि मिल्क सोर होता, फिर केमिकल चेंजेस फ्रेंड्स देखते हैं, रुकिए, हीटिंग और कूलिंग आई थिंक एंड इट्स चेंजिंग, ये भी एक केमिकल चेंज है, ये चेंज होता रहता है जब आप हीट कूल क्विकली करते हैं,
give three characteristic features of a chemical change. अब थ्री जैसे कि मिल्क टर्निंग सोल, फिर मुझे लगता है फ्रेंड्स फिर होगा कलर चेंज, फिर चेंजिंग टेम्परेचर। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इंजॉय। पितृदेव संग्राक्षणम। अरे बन्नी हुआ।